क्या आप जानते हैं इन सारे कलर्स को मिलाकर कौन सा कलर बनेगा? और अगर नहीं जानते तो आज मैं इसी चीज का पता लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्केट जाकर ही वाले कलर लेके आ जाता हूँ और मैं गूगल पे सर्च करने लगता हूँ कौन सा कलर मिलाकर कौन सा कलर बनता है। और मुझे जब ये गूगल पे चार्ट दिखता है तो सबसे पहले मैं एक पेपर पे सारे कलर्स को बाहर निकाल लेता हूं। आपको ये कलर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बारी थी इन कलर को मिक्स कर करके देखने की क्या इनसे दूसरे कलर भी बनाए जा सकते हैं। और फिर मैं इन कलर्स को मिक्स करने लगा। अब देखते हैं येलो और ब्लू कलर को मिलाकर कौन सा कलर बनता है। और ये तो ग्रीन कलर बन गया। ब्राउन और ब्लैक कलर को मिलाकर बन गया डार्क ब्राउन कलर। ब्लू और रेड को मिलाकर बन गया पर्पल कलर। रेड और येलो कलर के मिलाने से बन जाता है हमारे पास ऑरेंज कलर। व्हाइट और ब्लैक को मिलाकर बनता है ग्रे कलर। इसी तरह से मैं काफी और सारे कलर्स को मिक्स करने लगता हूँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट करके बताएं। और अब बारी थी इन सारे कलर्स को एक साथ मिक्स करने की। जब मैंने इन सारे कलर्स को मिक्स किया तो ये तो पता नहीं कौन सा ही कलर बन गया था। मुझे तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर लग रहा था, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन सा कलर लग रहा है।